अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद दीम। इनसेट में आज का जो हमारा टॉपिक हुआ है चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चार्ट कैसे वर्क करता है और इसका क्या पर्पज़ है आज हम सीखेंगे। चार्ट बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी तीन चार लोग मिलकर रन कर रहे हैं और इन तीन चार लोगों के प्रॉफिट और लॉसेस आप डिजिट की शक्ल में काउंट करें तो आपको इसको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा कि फर्स्ट पर्सन का कितना प्रॉफिट और कितना लॉसेस है। इसी चीज़ को आसानी से समझने के लिए चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। बिलाचकी स्टार्ट करते हैं। जैसे हम चार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो चार्ट के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे पास अपीयर हो जाएगी। आप इन चार्ट्स में से कोई भी चार्ट्स अपनी शीट पर ड्रा कर सकते हैं। हम यहाँ से फर्स्ट चार्ट इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ हम ओके करेंगे तो हमारी शीट पर अपीयर हो जाएगा। देखा व्यूवर्स, ये चार्ट हमारी शीट पर इंसर्ट हो चुका है। ये हमारी सीरीज दी गई है और ये हमारी कैटेगरी शो कर रही है। यहाँ हम उन तीन पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉसेस का चार्ट बनाएंगे। यहाँ हम टाइम करते हैं ईयर्स, यहाँ हम कर देते हैं टू थाउजेंड इलेवन, यहाँ 12 कर देंगे, यहाँ 13 कर देंगे और यहाँ 14 कर देंगे। देखो व्यूअर्स, यहाँ से हमने इसकी कैटेगरी चेंज की तो हमारी चार्ट में भी इसकी कैटेगरी चेंज होगी। देखो व्यूअर्स, 12, 13 और 14 की कैटेगरीज में हमारा चार्ट आ गया। अब हम उन तीन पार्टनर्स का यहाँ नाम मेंशन करेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ टाइप करता हूँ नदीम, नेक्स्ट सलीम, और यहाँ हम टाइप करेंगे अली। देखो व्यूअर्स, जैसे ही हमने अपनी सीरीज़ में नाम चेंज किए तो इधर भी हमारे चार्ट में भी सीरीज़ में नाम चेंज हो गए। देखो व्यूअर्स, जो हमने सीरीज़ 1, 2 और 3 में टाइप किए थे विद कलर्स, हमारे चार्ट पर वो नेम्स शो हो रहे हैं। देखो व्यूअर्स, आपको पता चला ये चार्ट तीन पार्टनर्स के तीन कलर में शो कर रहा है। जैसे नदीम के लिए ग्रीन शो कर रहा है, सलीम के लिए ब्लू और अली के लिए येलो कलर शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2011 में नदीम ने 45 रुपये प्रॉफिट किया और इसी साल में मोहम्मद सलीम को जो प्रॉफिट हुआ वो था 55 और थर्ड पार्टनर अली को जो इस साल प्रॉफिट हुआ वो था 41। देखा व्यूवर्स, चार्ट मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में तीन पार्टनर्स का प्रॉफिट शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, नदीम के लिए ग्रीन साइन यूज़ हुआ है, सलीम के लिए ब्लू और अली के लिए येलो कलर यूज़ किया गया है और इसको आप चार्ट में भी देख सकते हैं। देखो व्यूअर्स, 2011 के चार्ट में आपको वाजा पता चल रहा है कि नदीम के लिए ग्रीन साइन यूज़ हुआ है, नदीम ने कितना प्रॉफिट हासिल किया, नदीम सलीम ने कितना प्रॉफिट हासिल किया और अली ने कितना प्रॉफिट हासिल किया। और इसके साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं किसका ज़्यादा और किसका कम। अब हम 2012 का चार्ट बनाते हैं। यहाँ हम नदीम का करते हैं 25 और सलीम का करते हैं 42 और अली का 33। देखो व्यूअर्स, इस चार्ट में कलर की मदद से आपको पता चल रहा है कि सलीम ने कितना प्रॉफिट हासिल किया, अली ने कितना प्रॉफिट हासिल किया और नदीम ने कितना प्रॉफिट हासिल किया। अगेन 2013 डिस्कस करते हैं, 55, 37। देखा व्यूअर्स, जैसे जैसे हम पुट करते जा रहे हैं हमारा चार्ट भी उसी हिसाब से सेट होता जा रहा है। देखा व्यूअर्स, नदीम के लिए ग्रीन साइन यूज़ हुआ है, आपको पता चल रहा है कि नदीम ने कितना प्रॉफिट हासिल किया, सलीम के लिए ब्लू और अली के लिए येलो साइन यूज़ हुआ है, आपको वादा पता चल रहा है किसने कितना प्रॉफिट हासिल किया। अगेन 2014 डिस्कस करते हैं, नदीम ने गेन किया 35,
सलीम ने 24 और अली ने 7। देखा व्यूअर्स, उसी हिसाब से हमारा चार्ट भी सेट हो गया। देखा व्यूअर्स, इस चार्ट में कलर्स की मदद से तीनों पर्संस का प्रॉफिट को समझना आसान हो गया। देखा व्यूअर्स, आपको पता चला हम चार्ट कैसे बनाते हैं और इसको कैसे तरतीब देते हैं। आप अपने चार्ट्स का लेआउट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने चार्ट का कोई भी लेआउट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने चार्ट को स्टाइल भी दे सकते हैं। आप इन स्टाइल्स में से कोई भी स्टाइल अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक द व्यूअर्स, अभी आपको चार्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।